వ్యాప్తమైన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వృందావన బిహారీ లాల్ కీ జయ. సబ్ ద్వారన్ కో ఛోడ్ కే ఆయే తేరే ద్వార్ ఔహ్ ప్రశ్వాన్ కీ లాడ్లీ జరా మేరీ ఓర్ నిహార్. జయ జయ శ్రీ రాధా రమణ, జయ జయ నవల్ కిశోర్, జయ గోపీ చిత్ చోర్ ప్రభు ఖంచోరి. వృందావన బిహారీ लाल की जय. देखिए, कई जन्मों के पुण्य जब पुंजीभूत होते हैं, हमारे सत्कर्म जब कभी हमारे जीवन में हमने जब कभी किए होंगे, कई जन्मों के सत्कर्म जब हमारे शुभ फल के रूप में सामने आते हैं, तब जाकर कहीं हमें भगवान का सानिध्य और सामीप्य मिलता है. ध्यान देना. और फिर जिस कुल में कोई भक्त, भक्त का मतलब जानते हो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति कहीं ना कहीं से सद्भावना का भाव पैदा हो जाए, हम तो उसी को भक्त मानते हैं. अपने पितरों को भी सुनाई जा रही है, गया जाने के उपरांत उसी के उपलक्ष्य में कथा हो रही है. तो सबसे पहले तुम साधुवाद देना चाहते हैं उस पुत्र को जिसने कम से कम अपने पितरों के प्रति जो ऋण होता है उससे ऋण होने के लिए इतना बड़ा आयोजन करने का मन में संकल्प बनाया और इस गया भोज की महिमा को सार्थक करते हुए कम से कम अपने पुरखों को, जो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को संसार में लाने वाले बने, उनके प्रति अपने कर्म को करने के लिए उद्धृत हुआ. निश्चित रूप से वो कुल धन हो जाता है जहां कोई एक राम भक्त उत्पन्न हो जाता है. आइए, चूंकि ये ज्ञान रूपी गंगा अनवरत 7 दिन तक बहनी है, तो जैसा हमारा कर्म होता है, हम सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करेंगे. ध्यान देना, एक एक शब्द को हृदय से बिठाने का प्रयास करना. लोगों ने कहा महाराज ये बड़ा समय बर्बाद होता है, पंडित जी जो है कथा कहने के पहले भजन करवाते हैं, फिर बीच में भजन करवाते हैं, फिर बादों में भजन करवाते हैं, क्या मतलब है इसका, भजन का क्या मतलब है? तो हमने कहा कि भाई अगर आप कुछ भिक्षुक बनकर जाओगे, किसी के यहाँ कुछ मांगने जाओगे, कुछ लेने जाओगे, तो जो पात्र आप मांगो, जो वस्तु आप मांगोगे उसको रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है. ध्यान देना जरा हमारी बात पर. तो पात्र के दो भाग होते हैं, एक नीचे वाला जिसमें वस्तु रखी जाती है, और दूसरा भाग वो होता है कि वस्तु ना फैले और उस पात्र को बंद कर दिया जाए तो वस्तु सुरक्षित हो जाती है. और गुरुओं की कृपा से इसका निष्कर्ष निकाला कि जो सामान्य वस्तु होती है उस वस्तु को रखने के लिए सामान्य पात्र की आवश्यकता होती है. और ये जीवन धन्य है जब कभी जीवन में भिक्षुक बनने का सौभाग्य नारायण के दरबार पर मिले और हम लोग कथा जैसी अमृत रूपी तत्व को रखने के लिए किस पात्र की आवश्यकता करेंगे. तो निर्णय आया कि कथा रूपी अमृत को रखने के लिए भजन रूपी पात्र की आवश्यकता होगी. और जब हम भजन रूपी पात्र तैयार करेंगे तो कम से कम जो कथा होगी उसको रखने का पात्र तो है ना, इसलिए भी भजन करना चाहिए. एक कारण ये है. और बाद में
ये तो पहले वाला भजन प्रारंभिक पात्र हो गया और बाद वाला भजन उसको ढकने वाला पात्र हो गया। अथवा ये घोर कलयुग है, इस जीव को सतयुग में जो जो सैकड़ों वर्ष तक त्रेता में जो हजारों वर्षों की साधना के बाद मिलता था, कलयुग में वो केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आइए तो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और हमारे व्यास जी के रूप में हमारे विमल जी और हमारे तबला वादक जी जो गंधर्व चंद्र मोहन जी, जो इनका वैसे निक नेम हमें पता था, चलिए होता नहीं कि छोटा वाला शार्ट वाला नेम होता है ना, आइए सभी लोग मन वाणी को पवित्र करेंगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी लोग इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में ये ध्यान देना, जितने लोग बैठे हो सभी लोग ये उत्कंठा होनी चाहिए कि हमारी कथा एक क्षण के लिए भी न छूटे। हम कहा करते हैं कि धर्म विद्यालय है, ध्यान देना, पीठ पर बैठा वक्ता शिक्षक है, विद्यार्थी वही अच्छा होता है जिसके हृदय में ये भाव लगे कि कितनी जल्दी सुबह हो, कितनी जल्दी विद्यालय खुले और हमारी एक भी पंक्ति गुरु जी से छूट न जाए। तो ये भी अनुशासन के सहित कथा सुननी है और हर व्यक्ति को इस कथा का साक्षी बनना है। आइए मनवाणी को पवित्र करेंगे और सभी लोग दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से बोलेंगे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, दरबार में मस्ती से झूमना है। जय हो गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे भागवत सुनाने के पहले भागवत के महात्म को सुनाया। मनुष्यों ने प्रश्न किया, महाराज आखिर भागवत सुनानी थी तो सीधे भागवत सुनाने में कोई दिक्कत थी? प्रथम स्कंद सीधे सुनाया जाता, आखिर ये महात्म क्यों सुनाया गया? बड़े बड़े मनुष्यों ने अपनी तरीके से बड़ा अच्छा अच्छा उत्तर दिया। एक संत कहते हैं, भाई
महात्म सुनाना बड़ा आवश्यक है। लोगों ने पूछा महाराज महात्म क्यों सुनाया जाता है। उन्होंने कहा पहले एक बात बताओ, हम जिसके विषय में कुछ जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कहां से। भाई पंडित जी भागवत कहने आ रहे हैं, अब जब तक पंडित जी भागवत कहने नहीं आए तो लोगों के हृदय में शंका होगी, पता नहीं पंडित जी कैसे हो, पता नहीं गा पाते होंगे कि ना गा पाते होंगे, पता नहीं कथा अच्छी होए कि ना हो, ये समस्या रहती है। तो जब तक पंडित जी के विषय में जाना नहीं गया तब तक उनको माना नहीं गया। वही सही क्यों ना खड़ा हो जाए, ईश्वर के ही क्यों ना खड़ा हो जाए। अगर हम ईश्वर को नहीं जानते हैं तो फिर मानते भी नहीं है। और शास्त्र हमारे कहते हैं कलयुग का सबसे सुगम शास्त्र रामचरितमानस है। रामचरितमानस कहता है कि जाने बिनु ना, अरे जाने बिनु ना, अरे हो ये परतीते और बिन परतीत हो ये कहीं प्रीति। जानेंगे नहीं तो शास्त्र वाले कहते हैं ध्यान देना कि बिना जानकारी के प्रतीत माने होता है विश्वास। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा। और बिना विश्वास के फिर शास्त्र कहते हैं कि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति के प्रति हमें प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं। और शास्त्रों ने आगे कहा कि प्रीत बिना अरे भक्ति दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं जय हो भक्ति दृढ़ाई। क्यों, एक कमी थी ना, संकट था वहां। प्रीत बिना नहीं अरे भक्ति दृढ़ाई, अरे जी मुख के इस जल के चितना, जी मुख के इस जल के चितना। जब तक जीवन में प्रीत का जन्म नहीं होगा तो शास्त्र कहते हैं कि बिना प्रीत के व्यक्ति के जीवन में कभी भी भक्ति नहीं आने वाली है। और जब तक भक्ति नहीं आएगी तो फिर भगवान आने वाले ही नहीं है। इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए महात्म लिखते हैं। आइए जरा महात्म के प्रथम श्लोक। विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अच्छा आप लोग पढ़ते होंगे अभी तक गोविंदाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमः, गोविंदाय नमः। लेकिन यहां नमः लिखा है, आखिर ऐसा क्यों? थोड़ा थोड़ा परखते चलते हैं ना शास्त्र को भी। कोई वस्तु लिखी है, कोई चीज लिखी गई है तो उसके भी अपने कोई बहुत मायने होंगे, है ना। नमः जैसे हम कहें बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। आइए जरा इस श्लोक का सामान्य अर्थ करते हैं। सखिदानंद रूपाय, कौन कौन से? बोले सखिदानंद रूपाय, भगवान के तीन स्वरूप बताए, सत चित और आनंद। सत माने सत्यता, चित माने प्रकाश और आनंद माने आनंद। सत्य विचार करना, सत्य जो पहले भी था आज भी है और आगे आने वाले समय पर रहेगा।
जब हम नहीं थे तब भी सत्य था, जब हम हैं तब भी सत्य है, और आगे आने वाले समय में भी सत्य रहेगा। अरे अगर सत्य में भगवान न होते तो हम लोग तो लौकिक प्रस्तुतियों में कहा करते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सत्य के स्वरूप है और ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। चिद, चिद माने प्रकाश, खूब सब कुछ खिंचवा ले और चटकनी जलाओ, भला बल्ब जलेगा क्या? कब तक नहीं जलेगा? जब तक लाइट नहीं होगी। यानी ये बल्ब जल तो रहा है लेकिन उसको जलाने वाली शक्ति कोई दूसरी है। निर्णय मेरा कहां से जल रहा है? तो बोले भैया जब तक लाइट नहीं आएगी। पूछा गया कि लाइट कहां से आती है? बोले जब तक ट्रांसफार्मर में नहीं आएगी। बोले वहां कहां से आती है? बोले जब तक पावर हाउस में नहीं आएगी। बोले पावर हाउस में कहां से आती है? बोले जहां से स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी, कथा समझ में आ रही है? पहला श्लोक अर्थित हो रहा है और इस प्रकार से अगर अर्थ किया जाए ना तो सात दिन बिना खाए पिए भूखे प्यासे बैठकर सुनने में भी भागवत पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रारंभ है इसलिए एक श्लोक का अर्थ तो बड़े तबीयत से होना चाहिए। आइए हम प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक श्लोकों की व्याख्या करके रस रूपी गंगा को भी बहा करके इस कथा को सात दिन में ऐतिहासिक कथा बनाने का प्रयास किया जाए। वैसे ही ऐतिहासिक कथा है ही, लेकिन हमें भगवान मिल जाएंगे तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक हो जाए। आनंद, यहाँ कुछ बच्चियां भी बैठी है और पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार है। आनंद, कुछ बालक भी बैठे हैं, कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी बैठे हैं। ये विधाता की जो सृष्टि है ना, देखिए बातचीत नहीं करोगे, हम थोड़ी सख्त प्रकार के महात्मा है, ये ध्यान रखना। बातचीत करना है तो फिर घर में बैठना है, भगवान के दरबार में आना है तो केवल भगवान की ही कथा सुननी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ ये जय इसलिए कहते हैं कि तुम लोगों का ध्यान कम से कम केंद्रित बना रहे। अच्छा ये बताओ, ये विधाता की सृष्टि है, सुख बना है तो इसके विरोध में दुख बना है, दिन बना है तो इसके विरोध में रात्रि बनी है, पाप बना है तो इसके विरोध में पुण्य बना है, धर्म बना है तो इसके विरोध में अधर्म, तो इसके विरोध में कर्म नाशा भी बनी है। गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर कर्म नाशा में स्नान कर लेगा तो सारे पुण्य छीण हो जाएंगे। कहने का भाव कि ये विधाता की सृष्टि ही विरोधात्मक है। हर वस्तु का पुरुष है तो स्त्री है, विरोध है तो क्या आनंद का भी कोई विलोम है? बताओ भाई, है? बुद्धि लगाओ, पढ़े लिखे हो, थोड़ी परीक्षा भी होती जाए कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आनंद का कोई विलोम बना ही नहीं है। और ढूंढना, इस समय गूगल बाबा चल रहे हैं, उसमें पूछ लेना, आनंद का विलोम बना ही नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है और परमात्मा के जैसा न उसके विपक्ष में कोई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामचरितमानस कहती है कि जो आनंद के सिंधु हैं वही भगवान है। तो ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को भी हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अब अर्थ समझ में आया? भगवान सद चेद आनंद रूपी हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। और ये है कैसे? तो बोले विश्वभूत पत्यादि हेतवे, विश्व धन उत्पत्ति धन हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। बोले सदचिद आनंद के स्वरूप परमात्मा विश्व की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये करते क्या है? तो बोले तीन ही प्रकार के संसार में को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए महात्म्य में
सुखदेव जी महाराज की दूसरी श्लोक में वंदना की जा रही है। हम सभी लोग बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर वंदना करते हैं और थोड़ी सी उनकी कथा भी कहते हैं। यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातरया जुहावो आखिर भोले बाबा को हार करके माता पार्वती को अपने साथ कैलाश मिले कि किसी अंदर कंदराओं की ओर ले जा करके एक गुफा पर प्रवेश करके जोर से डमरू बजाया। डमरू की उस भयानक ध्वनि को सुनकर सारे जीव जंतु उस गुफा को छोड़कर निकल गए। अब भोले बाबा अकेले बैठकर माता पार्वती को